क्या बांग्लादेश तालिबान की राह पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं और जिस तरह से आगे की प्लानिंग की जा रही है, वो बांग्लादेश को नया तालिबान बनाने की राह पर ले जा रहा है। पूरी दुनिया में विरोध हो रहे हैं, लेकिन वहां की नई सरकार सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की वापसी हो रही है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश में तालिबान जैसा शासन होगा। बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन, फिनलैंड, अमेरिका, यूएन के दफ्तर के बाहर। इन प्रदर्शनों का बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर असर बस इतना दिख रहा है कि हुकूमत संभालने वाले अमन अमन बोलने भर लगे हैं। जमीन पर उनकी अपील हिंदुओं की तरह बेमौत मारी जा रही है, क्योंकि मंशा हिंदुओं को बचाना नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं ने 8 मांगे रखी हैं। पहला, अल्पसंख्यकों पर हमले का स्पीड ट्रायल। दूसरा, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बने। तीसरा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए। चौथा, हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा मिले। पांचवा, प्रॉपर्टी से जुड़े कानून सख्ती से लागू हो। छठा, शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष हो। सातवा, संस्कृत और पाली एजुकेशन बोर्ड को मॉडर्न बनाया जाए। आठवां, दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी का प्रावधान हो। इस मांग पर अंतरिम सरकार या आने वाली सरकार कितना गौर करेगी, जब आलम यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में वो शक्तियां ताकतवर होकर उभरी हैं, जिनका एजेंडा बांग्लिस्तान बनाना है। कट्टरवादी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश और हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश ने बांग्लिस्तान का प्लान बनाया है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और म्यांमार में शरिया कानून राज्य स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में मैसेज फैलाए जा रहे हैं। इस बाबत खुफिया एजेंसियों को अहम इनपुट मिला है। बांग्लिस्तान के इस एजेंडे को ग्रेटर बांग्लादेश का नाम दिया गया है, और अफगानिस्तान तालिबान की तर्ज पर बांग्ला रीजन में पूर्णतः इस्लामी शरिया गणराज्य स्थापित करना इसका मकसद है। इस एजेंडे से कट्टरवादी संगठनों का भारत विरोधी और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा भी पूरा हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इन दोनों संगठनों ने बड़ी तादाद में बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा को अंजाम दिया है। बांग्लादेश में कट्टरता अपने चरम पर पहुंच रही है, और बड़ी बात यह है कि एक दिन में नहीं बल्कि वर्षों से साजिश स्थापित की जा रही है। इसके पीछे पाकिस्तान के कट्टर संगठनों का हाथ है, जिनसे इनकी फंडिंग होती रही है, और अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है, जो शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रचता रहा।